हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम कुंडली में बनने वाले पित्तर दोष के बारे में बात करेंगे। कुंडली में पित्तर ऋण क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आज हम शुरू करेंगे गुरु के ऋण से कि कुंडली में गुरु का ऋण कब लगता है, इसके हमें नुकसान क्या हो सकते हैं। तो कृपया चैनल के ऊपर बने रहें दोस्तों। कुंडली में गुरु के पास पांच भाव बोले गए हैं, जैसा कि मैंने सामने डायग्राम में लिखा हुआ है कि खाना नंबर दो, खाना नंबर पांच, खाना नंबर नौ, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। दोस्तों इनमें से खाना नंबर दो, पांच और 11 गुरु के पक्के घर हैं और खाना नंबर 9 और 12 गुरु की अपनी खुद की राशि है। और खाना नंबर 4 में गुरुदेव उच्च के माने गए हैं, वहाँ पे कर्क राशि के गुरु माने गए हैं, तो गुरु उच्च के होते हैं वहाँ पे। तो कुंडली में अगर आप देखोगे तो गुरु के पास 2, 5, 9, 11, 12 के जो हाउसेज हैं, ये कुंडली में बड़े इम्पोर्टेंट हाउसेज होते हैं दोस्तों। दूसरे भाव से हमें धन, पंचम से हमें संतान, एजुकेशन, हमारी पब्लिक डीलिंग, नाइन्थ भाव से हमारा धर्म, अध्यात्म, हम कितने धार्मिक हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे वो धर्म को कितने मानने वाले थे। और खाना नंबर 11 से हमारी इनकम और 12 से हमारा दान पुण्य। खाना नंबर 4 में गुरु उच्च के हैं दोस्तों। चौथा भाव जो होता है दोस्तों वो चंद्रमा का माना गया है, तो चंद्रमा के घर में गुरु उच्च के होते हैं। अब अगर इन सारे घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में गुरु के दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र और राहु जब ये आके बैठ जाएंगे तो आपकी कुंडली में गुरु बेशक उच्च के हों चौथे भाव में, तो गुरु के उतने अच्छे फल आपको नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। इससे गुरु का ऋण कुंडली में लग जाता है। गुरु के, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, गुरु के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल हैं और दुश्मन बुध और शुक्र, और सम जो है वो शनि, राहु, केतु हैं दोस्तों। तो गुरु को जो भी ऋण लगता है वो उसके दुश्मन ग्रह बुध, शुक्र और राहु से ही लगता है। तो कुंडली में हमें गुरु के ऋण के जो भी ड्रॉबैक्स, हमें नेगेटिविटी आती है बुध, शुक्र, राहु से, जब तक हम गुरु के ऋण से उसके उपाय द्वारा उसको ठीक नहीं कर लेते, हमें गुरु के अच्छे फल नहीं मिल सकते दोस्तों। तो कुंडली में धन के भाव से मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसा है, धन के रास्ते भी आपके अच्छे हैं, लेकिन फैमिली में उस पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बरकत नहीं है पैसे की, तो गुरु का ऋण कुंडली में शो होता है आपका। घर से गोल्ड हमारा सेल होने लग जाए, बिकना शुरू हो जाए दोस्तों, गुरु का ऋण इसमें आता है। पंचम से हमारी संतान टाइम पे ना हो पाए, संतान आपका कहना ना माने, संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहे, तो गुरु पंचम का जो भी फल होगा वो खराब ही होगा। नाइन्थ भाव से आपके जो भी रीति रिवाज थे बड़े बुजुर्गों के, आपने उसको आगे फॉलो ही नहीं किया, अपना धर्म परिवर्तन ही कर लिया, तो इससे क्या होगा, गुरु का ऋण कुंडली में शो होगा। 11वें भाव और 12वें भाव से भी गुरु का ऐसा ही लगभग फल होता है। तो कुंडली में बुध, शुक्र, राहु को आप जरूर चेक करें कि आपकी कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें और 12वें में कहीं बैठे तो नहीं हुए। अगर कुंडली में वो बैठे हुए हैं तो आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा, गुरु को उस ऋण से मुक्त करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपकी कुंडली में अच्छे फल आप ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों गुरु के फल को अच्छा करने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्ग जो घर पे होते हैं उनका आदर सत्कार करना बड़ा जरूरी है दोस्तों।
ये तो हमारी डेस्टिनी में जो हम ग्रह लेके पैदा हो गए हैं दोस्तों, उसको तो नहीं हम चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने ग्रहों को देख के उनका कुछ निवारण तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो वो जो निवारण होगा वो उपायों द्वारा ही हम फलित कर सकते हैं दोस्तों। तो गुरु के लिए आपको मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है कि आपने दुश्मन ग्रहों को मजबूत नहीं करना है, गुरु के उपाय करने हैं, गुरु को मुक्त करना है उस ऋण से दोस्तों, तभी आपके गुरु के फल कुंडली में अच्छे माने गए हैं। कुंडली में ओवरऑल वैसे भी अगर गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं तो कुंडली में पित्तर ऋण फिर भी लग जाता है दोस्तों, गुरु के फल निष्फल ही हो जाते हैं, क्योंकि गुरु पूरी कुंडली में फोर्थ हाउस में उच्च के माने गए हैं, और पूरी कुंडली में इंसान का जो फोर्थ हाउस होता है वो ही हमारा पीस ऑफ माइंड है, हमारा लिक्विड कैश है, हमारे घर का पैसा, संतुष्टि, माता, गाड़ी, वाहन, मकान सब गुरु फोर्थ हाउस में ही देते हैं। तो अगर वहाँ पे नीच के ग्रह होंगे गुरु के घरों में, तो गुरु उच्च के होंगे भी अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो उपाय के तौर पे दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आप अपने पूरे खानदान कुल में से, अपने खून संबंधी रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करें, और वो पैसा आपने इकट्ठा करके किसी भी अपने घर के आसपास कोई भी आपका धार्मिक स्थान हो वहाँ पे अर्पण जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरु के ऋण के बारे में पता लगा होगा, जो भी मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया है कि पक्के घरों में दुश्मन ग्रह बैठे हुए होंगे तो गुरु के फल अच्छे कभी नहीं होंगे दोस्तों, बेशक वो उच्च के ही बैठे हों कुंडली में। तो पूरी कुंडली में बुध, शुक्र, राहु के उपाय करने से पहले आपको गुरु के उपाय करने भी जरूरी हैं दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि 2, 5, 9, 11 और 12 में बुध, शुक्र, राहु बैठे हुए हैं और आपने उनके उपाय तो करने ही करने होते हैं, लेकिन गुरु के उपाय पहले जरूरी हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दोस्तों। आगे भी हम इस ऋण के बारे में चर्चा करेंगे, आगे ऋण, मातृ ऋण लगता है कुंडली में, सव ऋण लगता है कुंडली में, वो किन किन योगों से लगता है उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। तो कृपया इस चैनल के ऊपर बने रहें। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इस चैनल के ऊपर आपको ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।